चलिए आज हम देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित टेयर सीरीज का भाग इक्कीस यहाँ भी हम देखेंगे बीस महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़े हुए कई अन्य प्रश्नों को भी हम यहाँ देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का भाग इक्कीस आज का हमारा पहला प्रश्न है मल्लिकार्जुन देवालय कहाँ स्थित है तो मल्लिकार्जुन महादेव जो देवालय है वो किस जिले में यहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़ में स्थित है मल्लिकार्जुन देव महादेव देवालय और अगला एक ऐसे नाम से ऐसी जुड़ा हुआ नाम से एक अन्य मंदिर भी यहाँ है वो है अर्जुनेश्वर देवालय अर्जुनेश्वर देवालय जो, जो, जो पिथौरागढ़ में स्थित है अगला हमारा पहला दूसरा प्रश्न है राज्य में वृद्ध केदार देवालय किस जनपद में स्थित है तो राज्य में कई स्थानों या देवालयों के नाम ऐसे हैं जिसमें केदार शब्द का प्रयोग हुआ है तो देखेंगे हम वृद्ध के केदार वृद्ध केदार देवालय राज्य में कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर है हमारा अल्मोड़ा में और अल्मोड़ा में इसकी स्थापना इस की थी रुद्र चंद ने रुद्र, चन्द जो चन्द सा सकते। इन्होंने और में इसकी स्थापना की थी और अगर अन्य केदारों की हम बात करें तो एक प्रसिद्ध स्थान है बूढ़ा केदार जो बूढ़ा केदार है वो स्थित है टिहरी में टिहरी में और दूसरे केदार की दूसरा हम बात करें छिपला केदार तो छिपला केदार एक धार्मिक स्थल है जो स्थित जो है पिथौरागढ़ में आगे देखें हम मापांग बोगुड्यार परियोजना किस जनपद में निर्मित है तो जो मा तो मापांग बोगूड्यार परियोजना है वो किस जनपद में निर्मित है तो किस नदी पर निर्मित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरी गंगा पर यह निर्मित है और ये है पिथौरागढ़ में अगर गोरी गंगा की हम बात करें तो गोरी गंगा का जो उद्गम है वो है मिलम हिमानी मिलम हिमानी से निकलती है और इसकी अनेक सहायक नदियाँ हैं जैसे रलम घाट गोनख्या घाट जिम्बा गधेरा और मतकानी इसकी सहायक नदियाँ हैं और ये संगम बनाती है काली से स्थान है जौल जौल जी में संगम संगमन है और जौल जी में एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है अगला हमारा प्रश्न माणा पर्वत की ऊंचाई कितनी है तो इनमें से माणा पर्वत की जो ऊंचाई है उसका सही आंसर हो जाएगा सात हजार दो सौ बहत्तर माणा पर्वत की ऊंचाई है और यहाँ पर जो दूसरा पर्वत है साजारिक जो ऊंचाई है वो है चौखंबा पर्वत की जो चमोली में स्थित है आगे देखेंगे जंगल लोर किसकी रचना है तो इन चारों में से जंगल लोर रचना के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर है हमारा जिम कॉर्बेट जो मशहूर पर्यावरणविद और शिकारी थे जिम कॉर्बेट उनकी रचना है जंगल लोर अगर अन्य रचनाओं की इनकी हम बात करें तो इनकी रचनाएँ हैं माई इंडिया और टाइगर टेम्पल इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें तो मैनीठ सौद्रप्याग इनकी एक प्रसिद्ध रचना है आगे देखेंगे कुमाऊं कुमुद नामक साप्ताहिक से संपादक कौन थे तो कुमाऊं कुमुद जो साप्ताहिक निकलता था कुमाऊँ में तो उसके संपादक कौन थे तो इसका सही आंसर है बसंत कुमार जो से इसके संपादक थे और ये अखबार जो निकलता था ये निकलता था अल्मोड़ा से और ये निकला था उन्नीस में और अड़तालीस तक ये चला था बीच में कुछ अवधि के लिए ये बंद भी हुआ था साहित्यिक छवि वाला ये अखबार था तो चलो आगे देखते हैं अक्षांश दर्पण किसकी रचना है तो एक रचना है यहाँ पर अक्षांश दर्पण तो इन चारों में से किसकी रचना है अक्षांश दर्पण तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक पंडित नयन सिंह रावत नयन सिंह रावत की ये रचना है अक्षांश दर्पण नैन रावत का अगर हम जन्म देखें तो वो हुआ था मिलम गाँव में पिथौरागढ़ में और अठारह में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए लाही बद का सर्वेक्षण किया था आगे देखेंगे कुछ इन अन्य लोगों ने भी नैन सिंह रावत पर कुछ पुस्तकें लिखी जिनमें से शेखर पाठक तथा उमा भट्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है एशिया की पीठ पर इन्होंने लिखी थी नैन सिंह रावत पर एशिया की पीठ पर जबकि आर एस स्टूडियो ने दो किताबें लिखी जिनमें से पहली है नयन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक और प्रशिक्षक दूसरी है नैन सिंह रावत एवं जौहर का इतिहास तो चलिए आगे देखते हैं गौरा अठावली त्यौहार किस जनजाति से संबंधित है तो गौरा अठावली जो त्यौहार है वो किस जनजाति से संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य जनजाति से संबंधित है गौरा अठावली त्यौहार और अगर जिला आएगा अगर अगर इसमें जिला पूछ लिया जाए तो जिला हो जाएगा पिथौरागढ़ अगला हमारा प्रश्न फूलों की घाटी किसकी रचना है तो यहाँ पे एक रचना है फूलों की घाटी ऐसे तो एक रचना है वैली ऑफ फ्लावर जो है फ्रैंक स्माइत की जिन्होंने खोज की थी फूलों की घाटी की पर एक रचना है फूलों की घाटी दूसरी वो इसकी रचना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिराज शाह गिरिराज शाह को हम जानते हैं उन्नीस सौ पिचहत्तर में इन्होंने उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की थी अगला हमारा प्रश्न बागेश्वर में गोमती नदी पर पहला सस्पेंशन पुल कब बना तो बागेश्वर में गोमती नदी पर जो पुल बना था सस्पेंशन पुल वो कब बना तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अट्ठारह सौ अड़तालीस ईस्वी में अगला प्रश्न बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊँ का इतिहास किस वर्ष लिखा तो किस वर्ष बद्रीजत्त पांडे जिनको हम जानते हैं कुमाऊँ केसरी के नाम से भी इनको हम जानते हैं कुमाऊँ केसरी के नाम से तो इन्होंने कब कुमाऊँ का इतिहास लिखा तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नीस में जब ये जेल पर जेल में थे अगला हमारा प्रश्न चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई तो चौबटिया उद्यान की जो स्थापना हुई वो हुई थी अल्मोड़ा में अल्मोड़ा में इस उद्यान की स्थापना हुई और इसकी स्थापना हुई थी अठारह सौ में और स्थापना करने वाले व्यक्ति थे डब्ल्यू क्रॉ तो अगला हमारा प्रश्न गढ़वाली पाखणा किसकी रचना है तो गढ़वाली पाखणा किसकी रचना है जिसका सही आंसर हो जाएगा सालीग्राम वैष्णव की रचना है गढ़वाली पाखणा और इनकी एक अन्य रचना भी है वो है उत्तराखंड रहस्य अगला हमारा प्रश्न अर्जुनी नदी किस ज़िले में बहती है एक छोटी सी नदी है अर्जुनी नदी वो किस जिले में बहती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में बहती है अर्जुनी नदी अगला हमारा प्रश्न खस परिवार कानून किसकी रचना है तो खस परिवार परिवार जो कानून रचना है वो है लीलाधर लीलाधर जोशी और इसको इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एल डी जोशी भी इनका नाम कहीं लिखा हुआ आता है तो एल डी जोशी अगला हमारा प्रश्न नगाड़ी खामोश है किसकी रचना है एक प्रसिद्ध रचना है नगाड़ी खामोश है तो ये किसकी रचना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीश तिवारी गीता की रचना है नगाड़े खामोश है ग्रीस तिवारी गिरता की कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे उत्तराखंड काव्य खंड काव्य धनुष यज्ञ और एक अन्य रचना है हमारी हमारी कविता के आकार अगला प्रश्न अलिविदा कुमाऊं किसकी रचना है तो अलविदा जो कुमाऊँ रचना है वो है प्रोफेसर एल एल वर्मा की और ये दिखाई इस 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 पुस्तक में दिखाया गया है कि गोरखाओं की कुमाओं से वापसी का वर्णन इसमें किया गया है अगला हमारा प्रश्न शिखर मूल नारायण मंदिर कहाँ स्थित है तो शिखर मूल नारायण जो मंदिर हमारा स्थित है वो है बागेश्वर में और बागेश्वर का अगर क्षेत्र की बात करें तो दानपुर क्षेत्र में जो बागेश्वर में स्थित है दानपुर क्षेत्र यहाँ पर ये स्थित है अगला हमारा प्रश्न कोटद्वार में रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई तो इनमें से कोटद्वार में रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई तो इसका सही आंसर है अठारह में कोटद्वार में रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई जबकि रेल सेवाएं जो कोटद्वार में शुरू हुई यात्रियों के लिए वो हुई 1901 से अगला हमारा प्रश्न वेदनी बुग्याल से सटा बुग्याल है तो कौन सा बुग्याल इनमें से वेदनी बुग्याल से सटा हुआ है यादनी वेदनी बुग्याल से टच करता है तो इसका सही आंसर है अली बुग्याल जो कि चमोली में स्थित है और ये वेदनी बुग्याल से सटा हुआ स्थित है अगर हम बात करें ओली बुग्याल की तो ओली स्किंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है तो ये थे हमारे आज के प्रश्न